नमस्ते मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? आज मेरे बगल में बहुत प्यारी गेस्ट आई हुई है, तो अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है कृति और मैं इंडिया से हूँ। मायो के चैनल में आपका स्वागत है। और आप जापान में रह रही हैं ना? हाँ, अभी मैं जापान में। अच्छा, कहाँ रहती हैं? मैं अभी ओसाका में रह रही हूँ। अच्छा, देखिए हम तो आज शिबुया क्रेजी शिबुया में आए हुए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ, क्योंकि फ्राइडे नाइट है ना, सब लोग सब मजा कर रहे हैं। चलो, तो आज के विषय है जापान वर्सेस इंडिया स्कूल के बारे में। तो हम जाएंगे स्कूल लंच रेस्टोरेंट, जापानी स्कूल के लंच को रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, और हम तुलना करेंगे इंडिया और जापान। हाँ, स्कूल लंच भी और ओवरऑल स्कूल, यस, रूल्स भी कंपेयर करेंगे और एग्जाम कैसा है वो भी कंपेयर करेंगे। हाँ, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो आप बने रहे हमारे साथ। तो शुरू करें। हम शिबुया क्रॉसिंग कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, तो कैमरामैन भी बहुत मुश्किल से शूट कर रहे हैं। ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब इतनी ब्लिंग ब्लिंग है सब। हाँ, बहुत अच्छा है इंस्टाग्राम। आप कितने साल से जापान में रह रही हैं? मैं अभी मार्च से रह रही हूँ, सो लाइक 5 महीने हो गए। अच्छा, 5, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, आप जापान में क्या करते हैं? अभी मैं जापान में मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जापान में मॉडल करना कैसा है? अभी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब जो जापान की मॉडलिंग एजेंसी है वो कोरिया से थोड़ा सिमिलर है। अच्छा, और मैंने पहले कोरिया में भी मॉडलिंग किया है, तो इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा सिमिलर लगा, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, करना। हाँ, अच्छा लगता है। और यहाँ पे जापान के जो मतलब जो लोग है वो बहुत अच्छे है, बहुत काइंड है। बढ़िया। तो मतलब मुझे अगर कुछ पता नहीं होता या फिर कुछ हेल्प चाहिए होता तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, और आपको जापानीज आती है? मैं एक्चुअली जापानीज सीख रही हूँ, मतलब स्टार्ट किया है बस। अच्छा, अच्छा। तो मुझे अभी अच्छे से नहीं आती, लेकिन अच्छा। मतलब थोड़ा बहुत कुछ शायद ये वाला है। चलो चलो, कर लेते दीजिए। चौथा मंजिल पर है, चौथी मंजिल पर है, चौथी मंजिल। हाँ, चलो चलते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, आपको ये पता है? ये मैं बहुत करती थी स्कूल में। अच्छा, इंडिया में भी है? हाँ, इंडिया में बस क्रॉस है और सर्कल है। अच्छा, हाँ, जापान में ये भी है। पसंदीदा लड़की वो लड़के का नाम लिख के आए थे, इसको पहनो बहुत प्यारा दिखेगा, मैं भी पहनती हूँ। हम सच्ची में ऐसे पहन के स्कूल चलते हैं, इतना बड़ा बैग लेके। हाँ, बहुत डालना है ना टिकट्स वगैरह। एक तो इसलिए है कि गिर जाए तो ये थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, पीछे से रन तो सिर्फ बोलते हैं इसको। हाय हाय, ओहायोगोज़ाइमासु, गुड मॉर्निंग बोला हमने। अच्छा, अरिगातोगोज़ाइमासु। कुर्सी और मेज भी बिल्कुल स्कूल के जैसे हैं। ये ड्रिंक का मेन्यू है, लेकिन ये नोटबुक का डिजाइन है। अच्छा, ठीक है, बच्चों ने किया ऐसा लगा। हाँ हाँ, इंग्लिश का मेन्यू तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। これだ。パイナップルジュース一つ。メディドーティンスクールかカナ、オルクチノーマルカナビマングワヤタ。とりあえず以上で。はい。メニューオーダーないんやった。最近メニューね、クジラウェイル。ウェイルこうフライカル系でね。तो बात यह है, जापान में जैसे कि अगर वॉर हो जाए तो प्रोटीन की कमी पक्की आ जाती है, और उसके लिए वे यूजुअली हम नहीं खाते हैं, लेकिन जापानी सरकार बच्चों को खिला के बताना चाहता है कि वेल भी मतलब खा सकते हैं ऐसे। तो आई थिंक ये एक एजुकेशन का हिस्सा है, तो इसलिए मैं बचपन में गुजरा एक दो बार खाई थी स्कूल में। जापानी लंच में वेजी या नॉन वेज का ऑप्शन तो नहीं है, सब लोग नॉन वेज खाते हैं, इसलिए ऑप्शन ही नहीं है। स्नैक्स देखने चले, बहुत मजेदार है, देख चलते हैं। टीचर के लिए कमरा, ये प्रिंसिपल का है, एक प्रिंसिपल टाइप का कमरा है। तुम ठीक से पढ़ाई करो। चलो चलते। ये अच्छा यार। हाँ, बचपन से ये ऐसे ना सस्ते सस्ते स्नैक्स हम खाते हैं, तो ये स्कूल में मिलता है? नहीं, स्कूल में नहीं मिलता, बचपन में ये खाते हैं ना। अच्छा, ऐसी छोटी छोटी स्नैक्स को हम पसंद करके खाते हैं। मैंने ये ट्राई किया था। अच्छा,
कैसा था ये? अच्छा बात, अच्छा ये सब 10-20-30 yen के बहुत सस्ते सस्ते स्नैक्स हैं। आप यहाँ पे जितना दिखा सकते हैं, बैग में डर के ले जाना मना है। आपने प्लम खाया है क्या? प्लम हाँ मैंने खाया था। अच्छा तो मैं ये प्लम का है, हाँ ये अच्छा है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। खाना आ गया है, आ गया है तो ये है सीजा सलाद। पता नहीं क्यों ये इंजेक्शन इंजेक्शन लगाई है, ऐसे ऐसे ऐसा लग रहा है कि पिचकारी मार रही हूँ मैं। धीरे धीरे अच्छा हुआ मॉडल बन गई ना, अगर नास बन गई होती तो बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे। ये है, ये क्या है? स्पेगेटी है, बहुत सस्ता वाला स्पेगेटी है बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों को ना महंगा खाना नहीं खिलाते हैं, ठीक है? इसमें डाल के ये स्पाइसी है क्या? स्पाइसी नहीं, नहीं नहीं स्पाइसी नहीं है। अरे जापानीज बच्चों को स्पाइसी नहीं खिलाते, भारत में बच्चे लोग भी स्पाइसी खाते हैं। क्यों खा सकते हैं? ब्लड में होता है। रोते नहीं ये स्पाइसी मामा। तो मैं जब बहुत ज्यादा छोटी थी स्कूल जाने से पहले, तब से मेरी मम्मी, मतलब जब से मैंने खाना खाना शुरू किया है चावल खाना, तब से मेरी मम्मी ने मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्पाइसी खाना दिया है, क्योंकि मम्मी डैडी जो वो दोनों खाते हैं स्पाइसी, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत देते थे, तो मेरा वो आदत हो गया मतलब खाते खाते। फिर जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तब मतलब मुझे भी स्पाइसी खाना ही अच्छा लगता था। फिर बाहर तो हमारे इंडिया में, मतलब मैं तो असम में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे मैं स्कूल में गई थी, असम के स्कूल में, तो वहाँ पे क्या होता था लंच टाइम में पानी पूरी वाला ही आता था। तो वहाँ पे प्ले ग्राउंड होता है, तो पानी पूरी वाला, चाट पूरी, भेलपूरी, ये सब कुछ आता था। मतलब वो क्या स्ट्रीट कार्ट लेके आते हैं ना खाना वाला। लेकिन बच्चों के पास पैसे नहीं होंगे ना, हम पॉकेट मनी ले जाया करते थे। कितने साल के थे? 8-9 साल। जापान में 8-9 साल के बच्चे ना स्कूल में पैसे लेकर आना मना होता है। अच्छा, अरे इंडियन स्कूल ज्यादा मजेदार लग रहा है। और ये है फ्राइड ब्रेड, आगे पान बोलते हैं हम, ठीक है? ऐसा बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। हाँ, ब्रेड को फ्राई करके फिर शुगर ऊपर डाल के। अच्छा, ये ऊपर शुगर दिया है। हाँ, किना को पाउडर भी है, शुगर भी है, तो बच्चों को ये बहुत पसंद होता है। It's okay. Kanpai. ये क्या है? ए, अंदर में कुछ है, बॉल लग रहा है। बॉल, हाँ, बॉल है, पानी का बॉल। ग्लास का है, ग्लास का। पता नहीं क्यों ये डालते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है इसीलिए। सस्ता सस्ता स्पेगेटी है। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं स्पेगेटी। इटाकिमास। सस्ता स्पेगेटी का टेस्ट है ना, तो बच्चों को ये पसंद आता है। ये मुझे नहीं लगता कि ये मैदे से बना हुआ स्पेगेटी है, ज्यादा चुई लगता है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। बच्चों के लिए मतलब काफी है ना। बच्चों को पसंद आ जाए तो काफी है। सलाद तो नॉर्मल है, ये तो बचपन में नहीं था, लेकिन मैंने ऑर्डर किया क्योंकि कुछ सब्जी भी चाहिए। सब्जी भी खाना है। नमक वाला खीरा। ये क्या है? ये एग्जाम है। एग्जाम, हाँ। क्वेश्चन 1, 2018 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? बच्चे से इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं। चलो खाते हैं। चलो, चीज। मीठा है, स्कूल की याद बहुत आती है। बहुत क्रंची है ये। मुझे ये क्रंचीनेस पसंद है। स्कूल में कौन सा नियम था बताइए? तो मैं जब स्कूल जाती थी तब नियम था कि हम स्कूल पे कोई भी मेकअप नहीं यूज कर सकते हैं। लिप बाम यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा। और हमारे मतलब ये जो बाल है हम खोल नहीं सकते, दो झोटी बनाना होता है। ऐसे ऐसे बांधना अलाउड नहीं है क्या? ऐसे बांधना बहुत कम, लेकिन ज्यादातर वो रिकमेंड करते हैं जो छोटी होता है दो तरफ, मतलब वही रूल है। ये उनको लगता है कि हम स्टाइल करके मतलब कार कर रहे हैं। अच्छा, ये हम स्टाइल करके पोनीटेल बना रहे हैं तो अलाउ नहीं होता। तो मेरे स्कूल में स्टाइल है और जोड़ी स्टाइल नहीं है। हाँ, उनके हिसाब से। जापान में भी बाल तो बांधना था, लेकिन बांधने का तरीका तो एक हो या दो हो वो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक ज्यादा आसान है ना। और पैसे और फॉर्म और जो भी है स्कूल के लिए जरूरत ना हो वो लेके आना अलाउ नहीं था। अच्छा, हमारे वहाँ पे भी फोन अलाउ नहीं था। और जापान में जो स्कूल है वो मतलब बॉयज एंड गर्ल्स सेम स्कूल है या फिर अलग अलग है?
ज्यादा से ज्यादा सेम स्कूल में पढ़ते हैं. सेम स्कूल में पढ़ा. हाँ, इंडिया में अलग है. इंडिया में बहुत ज्यादा अलग है. मैंने भी जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग थे, डिवाइडेड. आप पीई की क्लास थी ना? हाँ हाँ, पीई की क्लास. क्या करते थे हम? क्या करते थे हम? बस एक्सरसाइज वगैरह करते थे. और ज्यादातर हमारे जो टीचर्स थे पीई क्लास में बहुत ज्यादा इजी गोइंग थे. बहुत मजा आता था, बहुत सारा गेम्स वगैरह खेलने में. अच्छा अच्छा. जापान में कैसा है? जापान में भी सब कुछ है, एक्सरसाइज भी है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन. जापान में मैंडेटरी है स्विमिंग की क्लास. स्विमिंग क्लास? लेकिन मैंने सुना है इंडिया में मैंडेटरी नहीं. हाँ हाँ, मैंडेटरी नहीं है. मेरे स्कूल में तो स्विमिंग मतलब स्विमिंग पूल नहीं है. अच्छा. तो पता नहीं क्यों जापान में ये मैंडेटरी है, शायद क्योंकि जापान में बहुत नदी है, अगर गिर जाए तो जीने के लिए. मुझे पता नहीं था बिल्कुल. अच्छा, लेकिन इंडिया में भी नदी है ना? हाँ, इंडिया में भी नदी है. इसलिए मुझे स्विमिंग नहीं पता अभी तक. अच्छा, वो चाहिए, वो जो हवा की हाँ, वो है. गुब्बारा होता है. गुब्बारा. और एग्जाम कैसा था? जापान में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हो जाए तो सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते. अच्छा, तो ऐसा सिस्टम नहीं है. लेकिन मैंने सुना है इंडिया में कभी कभी फेल हो जाते हैं. हाँ हाँ, वो नहीं जा सकता. अच्छा, सेकंड क्लास में. और आप बहुत होशियार थी या? हाँ, मैं होशियार थी. मेरा जो हाई स्कूल था वो इस एरिया में सेकंड था. तो फर्स्ट में नहीं जा सकती, ठीक ठाक. तो मेरा सिचुएशन क्या था, मैं उतनी होशियार नहीं थी, लेकिन मतलब बहुत सारा प्रेशर था. मतलब मेरा फैमिली प्रेशर था कि मुझे अच्छा करना होगा, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा बहुत मेहनत से पढ़ाई किया. तो मेरा या रिजल्ट वगैरह अच्छा आया इसीलिए आप जापानीज कोरियन सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाती है. बढ़िया. तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और मैंने आज जापान की स्कूल में जो बच्चे हैं जो वो जो स्पैगेटी खाते हैं तो मैंने वो खाया. मुझे बहुत पसंद है, वो सॉफ्ट था, मुझे अच्छा लगा. मुझे भी काफी टाइम के बाद खाकर बहुत अच्छा लगा. और अभी मुझे याद आई कि हम तुलना करने वाले थे ना भारतीय लंच और जापानीज लंच. और भारतीय लंच के बारे में मैंने एक सवाल भी नहीं पूछा. एक सेंटेंस में आप समझा सकते हैं? अच्छा, तो फिर एक सेंटेंस ही थोड़ा बढ़ जाएगा. हाँ, कोई बात नहीं. तो क्या हुआ, मतलब इंडिया में जो बहुत सारे, भारत में बहुत सारे अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कूल है. तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी. मैं आसाम के स्कूल में पढ़ती थी. तो वहाँ पे मेरे स्कूल में क्या होता था, वहाँ पे ना स्कूल में लंच वगैरह नहीं मिलता था. मतलब अच्छा, कोई अवेलेबल नहीं था. हाँ, मतलब स्कूल से लंच देंगे. तो हमारा सिस्टम ये था कि हम घर से खाना ले जाएं. हाँ, मम्मी प्रिपेयर कर देगी. तो सारा बच्चे जो थे सब हम घर से ही खाना ले आते थे, या फिर हम थोड़ा बहुत पैसे मतलब पॉकेट मनी ले आते थे टिफिन के लंच टाइम पे. तो हम बाहर जाके कुछ पानी पूरी या फिर भेलपूरी या फिर ऐसा कुछ खा सकते हैं. अब मैं समझ गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि भारत में बहुत तरह तरह के लोग हैं, कि कुछ लोग शाकाहारी हैं, जैन हैं, तरह तरह के लोग हैं. तो ये पूरा मतलब स्कूल लंच तैयार करना बहुत मुश्किल है ना, इसलिए तो लंच तो बहुत कम है. मतलब स्कूल लंच बहुत कम चलता होगा. बहुत कम चलता. अब समझ गए. आप समझ में. बढ़िया. और आज मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए. और कृति जी के पास एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करना. और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना. ठीक है, तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. फिर मिलेंगे. बाय बाय.